हेलो एवरीवन, वेलकम टू फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। आई एम नीरज कुमार कैथल। लेट्स बिगिन इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सेशन फॉर अपकमिंग नॉर्सेट एग्जाम 2022। फर्स्ट क्वेश्चन, आपको नीचे बताए ऑप्शंस में से लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन का एग्जाम्पल कौन सा है, इसे सेलेक्ट करना है। साल्क, हेपेटाइटिस, कॉलेरा, बीसीजी। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, इट इज बीसीजी। बेसिलस कालमेटी गुवेरिन, जो कि ट्यूबरक्यूलोसिस डिजीज से हमें प्रिवेंशन देता है, लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन कहलाता है। लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन्स के दूसरे एग्जांपल्स की बात की जाए तो ओरल पोलियो वैक्सीन, जिसे आप सेबिन भी कहते हैं, मीजल्स मम्स रूबेला वैक्सीन, रोटा वायरस वैक्सीन, येलो फीवर वैक्सीन, बीसीजी है ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम कॉन्टैक्ट टाइम रिक्वायर्ड फॉर द क्लोरीनेशन ऑफ वाटर टू टेक प्लेस। वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए जब क्लोरीन उसमें मिलाया जाता है, तो इस क्लोरीन के द्वारा वाटर में मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए मिनिमम कितना समय चाहिए होता है। 90 मिनट्स, 10 मिनट्स, 60 मिनट्स, 30 मिनट्स। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, मिनिमम 60 मिनट्स यानी 1 घंटा। क्लोरीनेशन प्रोसेस के बाद फ्री रेजिडुअल क्लोरीन को कम से कम 1 घंटे या 60 मिनट्स का समय चाहिए पानी में मौजूद बैक्टीरिया और वायरस को किल करने के लिए। ऑप्शन डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टेस्ट इज डन टू फाइंड आउट द प्रेजेंस ऑफ फ्री क्लोरीन एंड क्लोरेमाइंस इन वाटर। पानी में फ्री क्लोरीन आदि की प्रेजेंस को मापने के लिए कौन सा टेस्ट करवाया जाता है? ऑर्थोटोलिडीन, ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन, ब्लीचिंग पाउडर टेस्ट। यस एग्जैक्टली, ऑप्शन वन इज करेक्ट हियर। ऑर्थोटोलिडीन टेस्ट के द्वारा हम वाटर में फ्री अवेलेबल क्लोरीन्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरवल बिटवीन टू डोजेज ऑफ डीपीटी, ओपीवी एंड हेपेटाइटिस शुड नॉट बी लेस देन। इन तीनों वैक्सीन्स के बीच एक से दूसरी डोज लगने के समय में मिनिमम कितना गैप होना आवश्यक है? 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह, 4 सप्ताह। ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। इन तीनों में से कोई भी वैक्सीन आप लगाएं, इन वैक्सीन्स की 2 डोजेस के बीच कम से कम 4 सप्ताह का गैप होना चाहिए, यानी 1 महीने का अंतराल होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स इज कंसर्न अबाउट द पब्लिक हेल्थ इम्प्लीकेशन ऑफ गोनोरिया डायग्नोज्ड इन 16 ईयर्स ओल्ड एडोलोसेंट, विच शुड बी ऑफ मोस्ट कंसर्न टू द नर्स। एक 16 साल की एडोलोसेंट गर्ल में यदि गोनोरिया डिजीज पाया जाता है, तो इस फाइंडिंग के बिहाफ पर पब्लिक हेल्थ के लिए सबसे ज्यादा चिंता की बात एज अ नर्स आपको क्या लगेगी? सबसे पहले हम बात करते हैं
ऑप्शन फोर की डिटरमाइनिंग द रीजंस फॉर द क्लाइंट प्रोमिस्क्यूटी। प्रोमिस्क्यूटी इस शब्द का मतलब होता है किसी एक व्यक्ति के द्वारा एक से अधिक लोगों के साथ सेक्सुअल एक्ट करना प्रोमिस्क्यूटी कहलाता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति प्रोमिस्क्यूटी करता है, एक से ज्यादा लोगों के संपर्क में आता है, सेक्सुअल एक्ट करता है, तो उसे गोनोरिया होगा। ये चीज बिल्कुल सही नहीं है। एक से ज्यादा लोगों के साथ सेक्सुअल एक्ट करने से गोनोरिया नहीं होता। हाँ, अगर इन्फेक्टेड पर्सन से, चाहे वो एक ही क्यों ना हो, सेक्सुअल एक्ट किया जाए तो उससे गोनोरिया हो सकता है। सो ऑप्शन फोर इज इनकरेक्ट। ऑप्शन थ्री कहता है इंस्ट्रक्टिंग द क्लाइंट अबाउट बर्थ कंट्रोल मीजर्स। यहां पर कौन सा बर्थ कंट्रोल मीजर इस्तेमाल करना है ये क्लियरली बताया नहीं गया है। सभी बर्थ कंट्रोल मीजर्स गोनोरिया को रोकने में इफेक्टिव नहीं होते। सो हम इसे भी सही नहीं मानेंगे। ऑप्शन टू कहता है इंटरव्यूइंग द क्लाइंट्स पेरेंट। हो सकता है क्लाइंट्स के पेरेंट को ये पता ही ना हो कि उनकी डॉटर को गोनोरिया डिजीज हो चुका है। सो इट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। फाइनली हमारे पास बचता है ऑप्शन ए, जो कि सही आंसर भी है। गोनोरिया डिजीज एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है और इस बच्चे में इस डिजीज का पाया जाना ये बताता है कि कम्युनिटी में इस तरह के केसेस और भी ज्यादा हो सकते हैं। इस लड़की जिसके ये संपर्क में आई है उसके कांटेक्ट को पता करना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा कंसर्न का मैटर होता है। जब भी आपके पास हॉस्पिटल में कोई ऐसा पेशेंट आए जिसे कोई कम्युनिकेबल डिजीज है, तो आप हॉस्पिटल में इसकी रिपोर्ट जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी रिमूव्ड बाय एडिंग। पानी की हार्डनेस को आप कैसे रिमूव कर सकते हैं? कैल्शियम क्लोराइड मिलाकर, मैग्नीशियम क्लोराइड मिलाकर, सोडियम कार्बोनेट मिलाकर, पोटेशियम परमैंगनेट मिलाकर। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, सोडियम कार्बोनेट मिलाकर। हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए आप उसे बॉईल कर सकते हैं, उसमें लाइम ऐड कर सकते हैं, CaHCO3 जिसे बोलते हैं, उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट ऐड कर सकते हैं, सोडा ऐश ऐड कर सकते हैं, वॉशिंग सोडा यूज कर सकते हैं। इन सभी मेथड्स के द्वारा आप इसे रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 65 इयर्स पेशेंट शोज सीवियर ब्रेन एंड मेंटल डिटरियोरेशन, इमोशनल डिस्ट्रेस, ओवर एक्टिविटी, पेशेंट कैन बी डायग्नोज टू बी सफरिंग विथ। 65 साल के व्यक्ति में यदि मेंटल और ब्रेन डिस्टरबेंस है, इमोशनल डिस्ट्रेस है, ओवर एक्टिविटी है, तो ये सभी फाइंडिंग्स किस कंडीशन के होने को बताती हैं? एल्जाइमर्स डिजीज, पिक्स डिजीज, पार्किंसंस डिजीज, हैरिंगटन्स डिजीज। यस एग्जैक्टली, आप बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट, एल्जाइमर्स डिजीज। एल्जाइमर्स डिजीज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, इस डिजीज कंडीशन के होने के बाद पेशेंट में मेमोरी लॉस होता है, पेशेंट कंफ्यूजन में रहता है, पेशेंट नई चीजों को सीख नहीं पाता, पेशेंट अच्छी तरह से बोल नहीं पाता, पढ़ नहीं पाता, लिख नहीं पाता। इसके अलावा पेशेंट लॉजिकली नहीं सोच पाता। ये सभी फाइंडिंग्स जो है एल्जाइमर डिजीज में देखी जाती हैं, एल्जाइमर की कंडीशन को बताती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीमो प्रोफाइलेक्सिस ऑफ चॉइस
इन केस ऑफ मेनिंगोकोकल मेनिनजाइटिस इज, मेनिंगोकोकल मेनिनजाइटिस डिजीज के पर्सन के कांटेक्ट में आने वाले लोगों को कौन सी मेडिसिन दें कि इनमें ये डिजीज ना हो सके? क्लोरोक्वीन, टेट्रासाइक्लीन, रिफैम्पिसिन, पेनिसिलिन। देखिएगा, कीमो प्रोफाइलेक्सिस का मतलब होता है अगर किसी व्यक्ति में किसी डिजीज के होने की संभावना हो तो उसे आप पहले से ही कुछ ऐसी मेडिसिन्स दे देते हैं जिससे वो डिजीज उसमें ना हो। मान लीजिए कोई मेनिंगोकोकल मेनिनजाइटिस का पेशेंट है और उसे हॉस्पिटल में उसके फैमिली मेंबर्स लेकर आए हैं, तो इस पेशेंट के क्लोज कांटेक्ट में आने वाले इन फैमिली मेंबर्स में भी ये डिजीज होने की संभावना रहती है, तो इस पेशेंट के ट्रीटमेंट के साथ साथ इस पेशेंट के फैमिली मेंबर्स को भी हम कुछ मेडिसिन्स देते हैं ताकि उसमें ये डिजीज ना हो पाए। इसे हम कीमो प्रोफाइलेक्सिस के नाम से जानते हैं। इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात की जाए तो यहां पर ऑप्शन 3 को हम बिल्कुल सही मानते हैं, रिफैम्पसिन। याद रखिएगा, रिफैम्पसिन को ड्रग ऑफ चॉइस माना जाता है फॉर द कीमो प्रोफाइलेक्सिस इन द मेनिंगोकोकल मेनिनजाइटिस कंडीशन। अगर आपसे इसकी डोज के बारे में पूछा जाए तो आप बता सकते हैं 600 mg BD फॉर 2 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अपकमिंग नॉर्सेट एग्जाम। हाइपोकैलेमिया होने पर कौन कौन से क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस देखने को मिलेंगे? टी वेव का स्पाइकी होना, पी आर इंटरवेल का प्रोलॉन्ग होना, चौस्टिक साइन का पाया जाना या मसल वीकनेस फील होना। देखिएगा, यहां पर ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी जो है, टी वेव का स्पाइकी होना और पी आर इंटरवेल का प्रोलॉन्ग होना, ये दोनों ही कंडीशंस जो हैं आपको हाइपरकैलीमिया में देखने को मिलती है। अगर किसी क्लाइंट के अंदर पोटेशियम की मात्रा नॉर्मल से ज्यादा हो जाए तो ये कंडीशन हाइपरकैलीमिया है और इस कंडीशन में स्पाइकी टी वेव, प्रोलॉन्ग पी आर इंटरवेल देखने को मिलते हैं। ऑप्शन 3 में बताया गया चौस्टिक साइन एग्जाम में प्रीवियसली काफी बार पूछा गया है। ये कंडीशन हाइपोकैल्सीमिया को बताती है। इट इज सीन इन हाइपो कैल्सीमिया, यानी कैल्शियम का लेवल शरीर में कम होना। चौस्टिक साइन के अंदर आप अगर पेशेंट के फेस पर मौजूद फेशियल नर्व पर टैप करते हैं तो उसके चेहरे पर एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं, इसे आप चौस्टिक साइन के नाम से जानते हैं। अब आपके पास एक ही ऑप्शन बचा है, ऑप्शन डी, ये करेक्ट आंसर है, मसल्स वीकनेस। अगर किसी क्लाइंट में पोटेशियम की कमी हो जाए तो उसके अंदर मसल वीकनेस होती है, मसल्स वीक फील होते हैं। इसके अलावा हाइपोकैलीमिया होने पर पैरालाइटिक इलियस हो सकता है। पैरालाइटिक इलियस का मतलब है इंटेस्टाइन का पैरालाइसिस। एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो सकता है, एसटी वेव डिप्रेस हो सकती है, एबनॉर्मल यू वेव आ सकती है। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, अगर किसी क्लाइंट को हाइपोकैलीमिया होता है तो उसके ईसीजी के अंदर यू वेव आएगी और किसी कंडीशन में आपको यू वेव नहीं देखने को मिलती है, हाइपोकैलीमिया होने पर तुरंत यू वेव ईसीजी में शो होने लगेगी। ये सभी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ 55 ईयर्स ओल्ड मैन सफर्ड अ लेफ्ट फ्रंटल लोब सीवीए, द पेशेंट्स फैमिली इज नॉट प्रेजेंट इन द रूम, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड द नर्स वॉच मोस्ट क्लोजली फॉर? एक 55 साल का व्यक्ति जिसे लेफ्ट फ्रंटल लोब ऑफ ब्रेन में स्ट्रोक हुआ है,
सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट हुआ है, इस पेशेंट के साथ रूम में फैमिली मेंबर्स यदि मौजूद ना हो तो इस पेशेंट को एज अ नर्स आप किस फाइंडिंग के लिए जरूर ऑब्जर्व करेंगे? ऑप्शन ए चेंज इन इमोशन एंड बिहेवियर, ऑप्शन बी मॉनिटर लॉस ऑफ हियरिंग, ऑप्शन सी ऑब्जर्व एपेटाइट एंड विजन डेफिसिट्स, ऑप्शन डी चेंज इन फेशियल मसल कंट्रोल। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए चेंज इन इमोशन एंड बिहेवियर। अगर सीवीए पेशेंट के साथ रूम में उसके फैमिली मेंबर्स नहीं हैं तो उस पेशेंट के इमोशंस और बिहेवियर में बदलाव आ सकता है, इसे हमें क्लोजली मॉनिटर करना है। यदि आपसे पूछा जाए कि ब्रेन के लेफ्ट फ्रंटल लोब का फीचर क्या होता है तो ये हिस्सा लैंग्वेज और स्पीच के लिए मुख्य रूप से रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू शुड द नर्स मॉनिटर क्लोजली व्हाइल अ पेशेंट इज ऑन टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन? अगर कोई व्यक्ति टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन थेरेपी पर है तो उसमें किस वैल्यू को आपको लगातार मॉनिटर करना आवश्यक है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, ग्लूकोज, कोलेस्ट्रॉल। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी ग्लूकोज। टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन थेरेपी वह थेरेपी है जिसमें पेशेंट को उसकी डेली आवश्यकता की कैलोरी रिक्वायरमेंट आईवी फ्लूइड्स द्वारा प्रोवाइड की जाती है। पेशेंट माउथ से कुछ भी नहीं खा पाता, उसे आईवी फ्लूइड्स के थ्रू ही उसकी सारी आवश्यक जरूरी चीजें डिलीवर की जाती हैं। ये टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन थेरेपी कहलाता है। इस थेरेपी को जब दी जाती है तो पेशेंट में ग्लूकोज लेवल का बढ़ना एक नॉर्मल फाइंडिंग के रूप में देखा जाता है। ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल से ज़्यादा तो नहीं, इस चीज़ का हमें लगातार मॉनिटरिंग आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द वेंटिलेटर अलार्म साउंड द नर्स फाइंड द पेशेंट लाइंग इन बेड होल्डिंग द एंडोट्रेकियल ट्यूब, विच एक्शन शुड द नर्स टेक फर्स्ट? आईसीयू में आप ड्यूटी पर हैं, अचानक वेंटिलेटर का अलार्म बजा, आप तुरंत पेशेंट के पास गए और आपने देखा कि पेशेंट ने एंडोट्रेकियल ट्यूब को निकाल रखा है, अपने हाथ में पकड़ रखा है। इस सिचुएशन में सबसे पहले आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए ऑफर रीएश्योरेंस टू द पेशेंट, आप पेशेंट को संतावना देंगे। ऑप्शन बी एक्टिवेट द हॉस्पिटल रैपिड रिस्पॉन्स टीम, आप रैपिड रिस्पॉन्स टीम को एक्टिवेट करवाएंगे। ऑप्शन सी कॉल द हेल्थ केयर प्रोवाइडर टू री इंसर्ट द ट्यूब, आप डॉक्टर को बुलाकर इस ट्यूब को दोबारा इंसर्ट करवाएंगे। ऑप्शन डी मैन्युअली वेंटिलेट द पेशेंट विथ 100% ऑक्सीजन, आप इस पेशेंट को मैन्युअली या एम्बू बैग के द्वारा 100% ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाएंगे। सबसे पहला एक्शन क्या होगा आपका, ये बताना। इट इज अ प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन। होपफुली आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी करेक्ट माना जाएगा। अगर पेशेंट में एंडोट्रेकियल ट्यूब लगी है, वेंटिलेटर लगा है, तो मतलब पेशेंट में रेस्पिरेशन की प्रॉब्लम है, पेशेंट खुद से प्रॉपरली सांस नहीं ले पा रहा। अब पेशेंट ने यदि एंडोट्रेकियल ट्यूब निकाल दी तो पेशेंट को अब वेंटिलेटर सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो इस सिचुएशन में हो सकता है कि पेशेंट के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो गई हो, तो सबसे पहले हम पेशेंट को
100% ऑक्सीजन देंगे ताकि इसका सेचुरेशन लेवल नॉर्मल हो जाए और फिर बाकी इंटरवेंशंस बाद में परफॉर्म की जाएंगी। सबसे पहले हम यही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज इज एडेड टू एंटी डायरियल सॉल्यूशन बिकॉज। जब भी किसी क्लाइंट को हम एंटी डायरियल सॉल्यूशन यानी ओआरएस आदि देते हैं तो उसमें ग्लूकोज क्यों मिलाया जाता है ये आपको बताना है। ऑप्शन वन, इससे ओआरएस का स्वाद मीठा हो जाता है इसलिए। ऑप्शन टू, ये एमिनो एसिड के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है इसलिए। ऑप्शन थ्री, ये सोडियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है इसलिए। या फिर ऑप्शन चार, ये सभी सही हैं। द राइट आंसर इज ऑप्शन थ्री, इट इंक्रीजेज द एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम। याद रखिएगा, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी में ओआरएस सॉल्यूशन के अंदर ग्लूकोज को इसलिए मिलाया जाता है क्योंकि इससे साल्ट एंड वाटर का इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन बढ़ जाए, साथ ही साथ बॉडी में फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट एम्बेलेंस जो हुआ है वो भी नॉर्मल हो सके। तो दो कारण हो गए, ग्लूकोज देने से वाटर और साल्ट का इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा और दूसरी बात, बॉडी में फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है वो भी ठीक हो जाएगा। ऑप्शन थ्री करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइटी इलेक्ट्स चेंजेस इन द न्यूरो हार्मोनल रिलीज पैटर्न इन्वॉल्विंग द न्यूरो ट्रांसमीटर्स इंक्लूडिंग। जब किसी व्यक्ति को एंजाइटी होती है, टेंशन होती है, तो इस सिचुएशन में कौन से न्यूरो हार्मोनल रिलीज होते हैं, कौन से न्यूरो हार्मोन्स न्यूरो ट्रांसमीटर्स एंजाइटी में रिलीज होते हैं ये आपको बताना है। एसिटाइल कोलीन, एपिनेफ्रिन, इंसुलिन, सोडियम। द राइट आंसर इज ऑप्शन वन, एसिटाइल कोलीन। जब भी किसी व्यक्ति को एंजाइटी होती है तो एंजाइटी होने के बाद जल्दी यानी तुरंत एसिटाइल कोलीन का रिलीज होने लगता है। एपिनेफ्रिन, इंसुलिन और सोडियम, ये तीनों ही चीजें इनिशियल लेवल ऑफ एंजाइटी में नहीं रिलीज होती। सो ऑप्शन वन इज करेक्ट हियर। अगर इसके अलावा भी आप जानना चाहते हैं कि कौन कौन से न्यूरो हॉर्मोन्स हैं या न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं जो कि एंजाइटी के समय रिलीज होते हैं, तो उनमें एसिटाइल कोलिन सबसे इम्पॉर्टेंट, फिर आता है नॉर एपिनेफ्रीन, फिर आता है डोपामाइन, फिर आता है सीरेटोनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिफाइड एज हेलोजन डिस इन्फेक्टेंट। इनमें से कौन सा सब्सटेंस हेलोजन डिस इन्फेक्टेंट का उदाहरण है? एल्कोहल, बाइग्वेनाइट पी, ब्लीच, फिनॉल। ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्डनेस ऑफ वाटर इज एक्सप्रेस्ड एज। हार्डनेस ऑफ वाटर को किस यूनिट द्वारा नापा जाता है? ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। हार्डनेस ऑफ वाटर को आप एनजी पर लीटर पर मापते हैं। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सॉफ्ट वाटर में
सॉफ्ट वाटर की हार्डनेस कितनी होती है तो आप बताएंगे? सॉफ्ट वाटर की हार्डनेस 1 ME पर लीटर से कम, या फिर आप इसे कह सकते हैं 50 mg पर लीटर से कम होती है। इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, जरूर मार्क कर लीजिएगा आप इसे, सॉफ्ट वाटर की हार्डनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एडम्स एप्पल इज फॉर्म्ड बाय। एडम्स एप्पल का निर्माण किसके द्वारा होता है? क्रिकॉइड कार्टिलेज, थायराइड कार्टिलेज, एपिग्लोटाइटिस या फिर हायोइड बोन? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, थायराइड कार्टिलेज। एडम्स एप्पल का निर्माण थायराइड कार्टिलेज के द्वारा होता है। क्रिकॉइड कार्टिलेज को आप सिग्नेट रिंग के नाम से जानते हैं, एपिग्लोटाइटिस को आप लिड कार्टिलेज के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन पॉन्ड इज अ मेथड यूज्ड फॉर। ऑक्सीडेशन पॉन्ड मेथड का इस्तेमाल किस में किया जाता है? सीवेज ट्रीटमेंट, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, डिस्पोजल ऑफ हाउस होल्ड सॉलिड वेस्ट या ये सभी? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, सीवेज ट्रीटमेंट। ऑक्सीडेशन पोंड का मतलब है कि आप 1.5 मीटर गहरे खड्डे खोदकर उसमें जो भी सीवेज वाटर है उसे डाल दें, और इस इन खड्डों के अंदर बैक्टीरिया और एल्गी होनी चाहिए। इन सीवेज पॉन्ड्स के अंदर जो पानी आपने डाला है, सीवेज वाटर डाला है, इस पानी में जितना भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस है उन्हें इस सीवेज पॉन्ड में मौजूद बैक्टीरिया और एल्गी डिस्ट्रॉय कर देते हैं, डिकम्पोज करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन पॉन्ड सीवेज वेस्ट को ट्रीट करने का एक इम्पॉर्टेंट मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर यूजिंग अ वॉल यूनिट सक्शन मशीन, हाउ मच प्रेशर शुड यू सेट द वॉल्व बिफोर सक्शनिंग 65 ईयर्स क्लाइंट? 65 साल के व्यक्ति में आपको यदि सक्शनिंग करना हो विद द हेल्प ऑफ वॉल यूनिट सक्शन मशीन, तो आप कितना प्रेशर रखेंगे? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर अपकमिंग नॉर्सेट एग्जाम। द राइट आंसर इज ऑप्शन 3, 100 to 120 mm ऑफ Hg। यहां पर गौर करिएगा, जब भी हम वॉल सक्शन यूनिट की बात करते हैं तो इसमें सक्शन प्रेशर 80 to 100 mm ऑफ Hg रखा जा सकता है, या फिर आप इसे 10 to 16 kPa भी कह सकते हैं। ये दोनों ही सेम है, यानी कि मिनिमम 80, मैक्सिमम 120। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ ब्रीच प्रेजेंटेशन इज। बच्चे में बटक्स फर्स्ट प्रेजेंटेशन ब्रीच प्रेजेंटेशन का कॉमनेस्ट कॉज क्या है ये आपको बताना है। हाइड्रोसिफेलस, प्री मैच्योरिटी,
मल्टीपैरा हाइड्रामनियोस। यस एग्जैक्टली, आपका आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन टू प्री मैच्योरिटी। देखिएगा इस क्वेश्चन के अंदर प्री मैच्योरिटी भी ऑप्शन सही हो सकता था और हाइड्रामनियोस कंडीशन भी सही हो सकता था। हाइड्रामनियोस को आप पॉलीहाइड्रामनियोस भी कह सकते हैं। इसमें जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो 2 लीटर से ज़्यादा हो जाता है। अगर मदर के वुम्ब में एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा नॉर्मल से ज़्यादा है तो बच्चा जब वुम्ब के अंदर मूवमेंट करता है, पैरों को जर्क करता है, किकिंग मूवमेंट करता है, तो इससे बच्चे की पोजीशन चेंज हो जाएगी और बच्चा वर्टेक्स प्रेजेंटेशन यानी हेड फर्स्ट प्रेजेंटेशन से ब्रिज प्रेजेंटेशन में आ सकता है, बटक फर्स्ट प्रेजेंटेशन में आ सकता है। ये भी एक कारण हो सकता है, लेकिन यहाँ पर दोनों में से जब आपको चुनना हो तो ऑप्शन टू को हम प्रायोरिटी बेसिस पे सही मानेंगे। प्री मैच्योरिटी को आप मोस्ट कॉमन कॉज मानते हैं ब्रिज प्रेजेंटेशन का। सो ऑप्शन टू इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स प्रिपेयरिंग टू एडमिनिस्टर द रूबेला वैक्सीन टू अ 2 डेज पोस्टपार्टम वुमेन, द नर्स शुड कॉशन द क्लाइंट टू अवॉइड। आप किसी वुमेन जिसे 2 दिन पहले डिलीवरी हुई है उसमें रूबेला वैक्सीन लगाने जा रहे हैं, इस वैक्सीन को लगाने के साथ ही आपको किस सावधानी को रखना है या किस चीज को अवॉइड करना है? ऑप्शन वन सनलाइट फॉर 3 डेज, ऑप्शन टू स्क्रैचिंग द इंजेक्शन साइट, ऑप्शन थ्री प्रेगनेंसी फॉर 2 to 3 months आफ्टर वैक्सीनेशन, ऑप्शन फोर सेक्सुअल इंटरकोर्स फॉर 2 to 3 months आफ्टर द वैक्सीनेशन। यस एग्जैक्टली, ऑप्शन थ्री इज करेक्ट हियर। रूबेला वैक्सीन लगाने के बाद वुमेन को कम से कम 2 से 3 महीने की प्रेगनेंसी को अवॉइड करना है, 2 से 3 महीने तक प्रेगनेंसी को अवॉइड करना है। अदरवाइज इस वैक्सीन के कारण, इस लाइव वैक्सीन के कारण बच्चे को नुकसान हो सकता है, फीटस अफेक्ट हो सकता है। लाइव रूबेला वैक्सीन जो है जनरली उन वुमेन्स को लगाया जाता है जिनमें इम्यूनोग्लोबुलिन जी नेगेटिव हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेगल स्टिमुलेशन ऑफ हर्ट कॉजेस। अगर आप हर्ट की वेगल नर्व को स्टिम्युलेट करें तो इससे क्या इफेक्ट आएगा? इंक्रीज हर्ट रेट, इंक्रीज रेस्पिरेशन इंटरवेल, इंक्रीज कार्डिक आउटपुट, इंक्रीज फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। हमारे बॉडी में 10th नंबर क्रेनियल नर्व है, वेगस नर्व। इसको यदि आप स्टिम्युलेट करें तो इससे हार्ट रेट डिक्रीज होती है और रेस्पिरेशन इंटरवल इंक्रीज होता है। तो ऑप्शन टू को यहाँ बिल्कुल सही माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ सीवियर एनीमिया ड्यूरिंग लेबर इज। लेबर के दौरान कौन से कॉम्प्लिकेशंस देखे जा सकते हैं यदि किसी वुमेन को सीवियर एनीमिया है तो? क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर माना जाएगा। याद रखिएगा, अगर किसी वुमेन में
11 ग्राम परसेंट से कम हीमोग्लोबिन है तो उसे WHO एनीमिक वुमेन कहता है। यहाँ पर वुमेन में सीवियर एनीमिया है और इस वुमेन में इस कंडीशन के कारण लेबर के दौरान यूट्राइन इनर्शिया कंडीशन देखने को मिल सकती है। यूट्राइन इनर्शिया क्या है इसे भी जान लेते हैं। यूट्राइन इनर्शिया का मतलब है एब्सेंस और वीकनेस ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस ड्यूरिंग लेबर, यानी लेबर के समय वुमेन का यूट्रस बिल्कुल भी कॉन्ट्रैक्शंस नहीं बना पा रहा है तो ये कंडीशन इनर्शिया कहलाती है, यूट्राइन इनर्शिया कहलाता है। इनर्शिया शब्द का वैसे मीनिंग आप यदि सर्च करेंगे तो होता है स्थिर, यानी बिना किसी मूवमेंट के। तो लेबर के दौरान यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन या मूवमेंट का नहीं होना यूट्राइन इनर्शिया है और ये सीवियर एनीमिया के कारण देखा जाता है। आपसे और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं, जैसे कि अगर वुमेन को सीवियर एनीमिया है तो लेबर के दौरान कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो सबसे पहला तो यूट्राइन इनर्शिया आपको बता दिया, इसके बाद पोस्टपार्टम हेमरेज हो सकता है, कार्डियक फेलियर हो सकता है, शॉक में जा सकती है वुमेन। नेक्स्ट, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अगर वुमेन सीवियरली एनीमिया से सफर है और प्रेगनेंसी के दौरान उसे क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, तो आप बताएंगे प्री मैच्योर डिलीवरी हो सकती है, प्री एक्लेम्शिया हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, इंटरमिटेंट इन्फेक्शंस हो सकते हैं। ये सभी पॉइंट्स यहाँ से इम्पॉर्टेंट है। सो एवरीवन, ये था हमारा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। प्लीज क्लिक अपॉन द लाइक बटन इफ यू थिंक दीज क्वेश्चंस आर हेल्पफुल फॉर अपकमिंग नॉर्सेट एग्जाम, एंड ऑल्सो यू कैन सब्सक्राइब फॉर नर्सिस प्रिपरेशन फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग कंटेंट। बेस्ट ऑफ लक।